16.3 बहुलक पॉलीमर। हमने पिछली कक्षा में देखा कि कार्बन के यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है। ये आपस में जुड़कर बहुत लंबी 2 कार्बन से 1000 कार्बन तक श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। कम अणुभार वाले कार्बनिक अणु आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले कार्बनिक अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। कम अणुभार वाले अणु को एकलक मोनोमर तथा उनसे बने अधिक अणुभार वाले अणु को बहुलक पॉलीमर कहते हैं। इस प्रकार एक बहुलक में बहुत सारे एकलक होते हैं जिनकी संख्या को N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट टेरिलिन पॉलीथिन आदि बहुलक के उदाहरण हैं। 16.3.1 प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। कुछ बहुलक जैसे रेशम ऊन आदि जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं और स्टार्च सेलुलोज जैसे बहुलक जो पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे बहुलक जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। बहुलक ने हमारे दैनिक जीवन को बहुत आसान बना दिया है और हम उनका उपयोग बहुतायत में करते हैं। आइए ऐसे ही कुछ बहुलकों के बारे में जानें। 16.3.2 पॉलीथीन। पॉलीथीन एथीन नामक एकलक की लंबी श्रृंखला से बना होता है। इसे मुख्यतः 2 प्रकार से बनाया जाता है और दोनों विधियों से प्राप्त पॉलीथीन का स्वभाव या प्रकृति अलग अलग होती है। 16.3.2.1 कम घनत्व वाला पॉलीथीन या LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन। यदि एथीन एथिलीन के बहुत सारे अणुओं को 6 से 7 वायुमंडलीय दाब और 330 से 470 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो हमें ऐसा पॉलीथीन मिलता है जिसका घनत्व कम और गलनांक उच्च होता है। N C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एथीन 330 से 470 केल्विन ताप और 6 से 7 वायुमंडलीय दाब तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड होल एन कम घनत्व वाला पॉलीथीन। यह अल्प पारदर्शी और कठोर होता है जिसके कारण इसका उपयोग बाल्टी और पाइप बनाने में होता है। यह अधिकतर रसायनों के प्रति निष्क्रिय होता है। 16.3.2.2 उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन या HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एथीन के बहुत सारे अणुओं को जब ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के साथ 473 केल्विन पर 1500 से 2000 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है तो हमें पारदर्शी पॉलीथीन मिलता है जिसे उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन या HDPE कहते हैं। N C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H एथीन 473 केल्विन ताप 1500 से 200 वायुमंडलीय दाब और O2 की उपस्थिति में सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड होल N उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। क्योंकि इस तरह के पॉलीथीन का घनत्व ज़्यादा और गलनांक कम होता है इसलिए ऐसे पॉलीथीन का उपयोग बोतल और पन्नियाँ बनाने में किया जाता है। पॉलीमर्स। पॉलीमर मोनोमर से बनी लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अणु हैं। प्रकृति में कई प्रकार के प्राकृतिक बहुलक पाए जाते हैं जैसे रबड़ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और DNA। संश्लेषित पॉलीमर का उदाहरण है प्लास्टिक जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुतायत में होता है। इसका उपयोग
पैकेजिंग से लेकर घर के निर्माण में किया जाता है। घरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का 1/4 भाग प्लास्टिक होता है। पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए इसका पुनः चक्रण किया जाता है। कई रसायनज्ञों द्वारा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का निर्माण किया जा रहा है जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाएंगे। पॉलीमर से बनी वस्तुओं का हम दैनिक जीवन में कई बार उपयोग करते हैं। पॉलीथीन का उपयोग थैलियां तथा शीट बनाने में किया जाता है। उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन यानी कि HDPE का उपयोग जल निस्तारी के पाइप, जल की बोतलें तथा डिब्बे बनाने में किया जाता है। पॉलीस्टायरीन का उपयोग पैकेजिंग में किया जाता है। पॉलीप्रोपीन का उपयोग बोतलों के ढक्कन, प्लास्टिक बोतलों, प्लास्टिक पाइप बनाने में किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC का उपयोग दरवाजे तथा खिड़कियां बनाने में किया जाता है। पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन यानी कि PTFE का उपयोग बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग बनाने के लिए किया जाता है।